आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का टेस्टी स्नैक्स। ये दिखने में जितने अच्छे हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर 4 से 5 आलू को छीलकर अच्छी तरह से धो लिए हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। सबसे पहले आलू को बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी को गर्म कर लिए हैं। अब इसमें कटे हुए आलू डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे मिला दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे आलू को 4 से 5 मिनट बॉयल करेंगे। पाँच मिनट आलू को बॉयल कर लिए हैं। इसे हाफ बॉयल ही किए हैं, पूरा बॉयल नहीं किए हैं। अब गैस को बंद करके पानी से निकाल लेते हैं। सभी आलू को पानी से निकाल लिए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट फ्रीजर में रख देंगे या फिर पंखा के नीचे। 10 मिनट हो चुका है, आलू ठंडा हो चुका है, तो अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें आलू डालकर फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसी तरह अलट पलट कर 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करेंगे। आलू फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सभी आलू को फ्राई कर लेंगे। सभी आलू को फ्राई कर लिए हैं, अब इसे खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसे एक मिक्सिंग बाउल में रख लेंगे। इसे मिक्सिंग बाउल में रख लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी काला नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे मिला लिए हैं। ये आलू का स्नैक्स तैयार हो चुका है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये आलू का स्नैक्स तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप अपने घर में एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।